वेलकम बैक टू आज़ीज़ किचन। आज की जो रेसिपी मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ वो एक बहुत ही मज़े की थाई रेसिपी है। इसको कहते हैं थाई ग्रीन करी। ये इंग्रेडिएंट्स जो हमें चाहिए वो है एक छोटा जार थाई ग्रीन करी पेस्ट का, हमें 3 या 4 बेजल लीव्स चाहिए, हमें 3 छोटे आलू चाहिए कटे हुए, हमें 4 या 5 स्प्रिंग अनियंस हरा प्याज चाहिए, हमें छोटे बेबी स्वीट कॉर्न छली जो है वो चाहिए, हमें 4 या 5 चाहिए ग्रीन बीन्स, फिर हमें चाहिए अदरक, छोटा सा अदरक का टुकड़ा जो पतले पतले से हमने उसके ऊपर डालने हैं, फिर हमें चाहिए एक चिकन का स्टॉक क्यूब, 150 ml पानी में उसको भिगो के रख देना है, फिर हमें चाहिए एक कैन 400 ml का कोकोनट मिल्क का, फिर हमें चाहिए 1 किलो चिकन बोनलेस और छोटे पीस उसके करने हैं, फिर हमें चाहिए एक छोटा हरा नींबू होता है वो चाहिए, फिर हमें थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर चाहिए, फिर हमें थोम चाहिए थोड़ा सा, और हमें चाहिए 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल का, हमें चाहिए 1 टेबल स्पून कैस्टर शुगर का, फिर हमें चाहिए 1 टेबल स्पून फिश ऑयल का, और फिर हमें चाहिए 1 या 2 वो जो लेमन ग्रास के होते हैं शूट्स वो चाहिए, और फिर हमें चाहिए 1 टेबल स्पून गैलनगैल रूट का जो पेस्ट मिलता है वो हमें चाहिए। तो चलिए ठीक है, आए बनाते हैं फिर। तो पहले हमने क्या करना है कि 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल का हमने पतीले में डालना है। पतीले की गैस हमने मीडियम या हल्की रख देनी है। फिर हमने उसमें थाई ग्रीन करी का जो पेस्ट का जार है छोटा वो हमने तेल में डाल देना है, और उसको हमने हल्की आंच पर, मीडियम आंच पर ना उसको पकाना है ऐसे। ये देखें जैसे मैं पका रही हूँ ऐसे आपने पकाना है। अब हमने इसमें डालना है जो हमारे लेमन ग्रास का जो शूट्स थे ना, और 4 हमने थोम की पोटलियाँ वो काट के, और जो अदरक के छोटे छोटे पीसेस हमने काटे थे वो डाल देने हैं। फिर हमने इसमें जो चिकन स्टॉक क्यूब का हमने एक भिगोया हुआ था 150 ml पानी में वो हमने इसमें डाल देना है, ऐसे मिक्स कर देना है। फिर हमने जो कोकोनट मिल्क है वो इसमें आहिस्ता से मिक्स ऐसे डाल के और उसको मिक्स कर देना है। इसकी गैस हमने मीडियम पे रखी हुई है नीचे, ज़्यादा तेज़ भी नहीं है ज़्यादा हल्की भी नहीं है। ऐसे हमने इसको मिक्स जब किया फिर हमने इसमें डाल देना है 1 टेबल स्पून जो फिश के ऑयल का है वो हमने इसमें डाल देना है ऐसे। फिर हमने इसमें डालना है 1 टेबल स्पून हमने चीनी का डाल देना है ऐसे। अब हमने जो हरा रंग का नींबू है उसका जो छिलका होता है ना वो हमने इसमें ग्रेट कर देना है। अब हमने इसमें बेजल के जो लीव्स है 5-6 वो डाल देने हैं ऐसे। ये देखें इसको अब हमने मिक्स करना है, थोड़ी देर के लिए सिमर करना है, और फिर हमने इसमें हमारी जो चिकन है वो हमने 1 kg चिकन ये ऐसे लंबे लंबे छोटे पीसेस में काट के वो हमने इसमें डाल देनी है ऐसे। अब हम इसको मिक्स करेंगे, मिक्स करके हल्की आंच के ऊपर रख के ऐसे। तो हमने इसके ऊपर ढक्कन रख देना है 10 या 12 मिनट के लिए पकाना है। फिर हमने ढक्कन उठाना है, तो ये देखें चिकन हमारी तकरीबन गल चुकी है सारी मजे से। तो अब हमने इसमें वो जो गैलनगैल का जो रूट का पेस्ट था ना 1 टेबल स्पून वो डाल देना है, और जो हमने आलू जो छोटे छोटे काटे हुए थे वो भी डाल देने हैं ऐसे, और साथ में हमने अभी डाल देना है जो ग्रीन बीन्स थे उसको भी ऐसे छोटे पीसेस में काटे थे वो भी हमने डाल देने हैं। ये देखिए अब हमने वो छोटे वाला जो चिल्ली थे वो हमने काट के वो भी इसमें डाल देने हैं ऐसे। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, इतने रंग इसके अमेजिंग है। तो ये हमने लाल मिर्च जो काटी हुई थी वो भी हमने इसमें डाल देनी है ऐसे, और अब हमने जो हरा प्याज काटा था वो भी अब डाल देना है। ये देख सबको हमने ऐसे मिक्स कर देना है।
ये देख, मिक्स करके और ढक्कन हमने ऊपर रख देना है 5-10 मिनट के लिए। उसके बाद जब हम ढक्कन उठाएंगे ना, तो तकरीबन रेडी है। अब हमने जो हरा नींबू था ना, उसका काट के ना हमने जूस निकाल के उसका वो डाल देना है ऐसे, तो इसके साथ जायका उसका उससे भी अच्छा हो जाएगा। और अब हमने इसको ऐसे मिक्स कर देना है और इसके ऊपर ढक्कन रख के ऐसे, ये देखिए कितने प्यारा लग रहा है, सब कुछ तकरीबन रेडी है। हल्की आंच के ऊपर ना हमने अब इसका ढक्कन रख के, तो इसको 5-10 मिनट के लिए ना हमने छोड़ देना है ऐसे, ये देखें। अब हमने चावल तैयार कर देने हैं। तो चावल हम ऐसे तैयार करेंगे कि हमने 1 कप चावल लिया है, उसको पहले हम भिगो देंगे। फिर हमने ये एक प्याज काट कर और उसमें आधा थोम जो था, पूरा तकरीबन 5-7 बनते हैं थोम की पुतियां, वो डाल के उसको हमने ग्राइंड कर लेना है। फिर हमने एक सफ़िए में ऐसे तेल डाल देना है, तकरीबन 1-1.5 टेबल स्पून तेल है। उसमें जो हमने अभी प्याज पीसा था ना थोम के साथ, वो हमने इस तेल में डाल देना है और इसको हमने मीडियम आंच, हल्की आंच के ऊपर ऐसे पका लेना है। ये देखें 5-10 मिनट जब पकेगा तो फिर उसकी शक्ल ये देखें ऐसे हो जाएगी। तो ये हमने बस कुछ मिनट और पकाना है, कोई बात नहीं, ये नीचे से ब्राउन हो रहा है, कुछ नहीं होता। अब हमने इसमें पानी डाल देना है। तो हमने 1 कप चावल लिए हैं और मैं 1.5 कप पानी डाल रही हूँ, ये देखें। गैस जो है आंच उसकी अभी मीडियम है। अब हमने इसमें नमक डाल देना है, मैंने 2-2.5 टीस्पून डाले हैं। आप कम भी डाल सकते हैं, ज्यादा भी डाल सकते हैं, आप अपने जायके के हिसाब से डालें। तो अब हमने इसमें जो भिगोए हुए चावल थे वो हमने इसमें डाल देने हैं, ये देखें। 1 बड़ा कप था मेरा, ये आप देख सकते हैं। तो ये जो भिगोए हुए चावल थे वो हमने इसमें डाल देने हैं और हमने इसको अब पानी जो है ना इसमें पकाना है तेज आंच के ऊपर, ये देखें। ऐसे हम इसमें वो दोई जो है वो हम ऐसे फेर रहे हैं इसमें। तो अब हमने थोड़ा सा बटर इसमें डाल दिया है, 2-3 वो जैसे टीस्पून होते हैं ना, वो मैंने इसमें बटर डाल दिया है। और अब मैं इसको दम पर रख दिया है। दम पर 10-12 मिनट के बाद रख के, तो जब आप उसका ढक्कन खोलेंगे तो ये देखें चावल इतने अच्छे बन गए हैं। तो मैंने उसको प्लेट में डाल के उल्टा करके ऐसे मैंने डिश आउट कर दिया है। और उसके ऊपर मैंने जो हमारी टाई ग्रीन करी है, ये देखिए, ये मैंने इसके ऊपर ऐसे डाल दिए, क्या मजे की लग रही है। इसके ऊपर इसका सॉस भी अब ऐसे जा रहा है, तो इतना इसमें स्वाद है, इतना मजा है। आप खाएं, आप बताएं बनाकर मुझे कि कैसा आपको लगा, कैसे आपके प्यारों को लगा है। लाइक और कमेंट करें नीचे, और हमेशा की तरह प्लीज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब टू माय चैनल। देखते रहें, मिलते हैं एक और दिन एक और रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच। ओके, बाय।